गाइस अभी कुछ ही दिन पहले एक जाने माने लीगस्टर आइस यूनिवर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने फोन पर एक वॉलपेपर लगाने से मना किया है और ये स्पेशली सैमसंग यूजर के लिए कहा है। तो गाइस चलो आज इस वॉलपेपर के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपके फोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर फिर भी ये वॉलपेपर आपको आपकी स्क्रीन पर लगाना है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे पर्टिकुलर इमेज आपके वॉलपेपर पर लग जाएगा और आपके फोन को भी कोई डैमेज नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो गाइस जब कुछ दिन पहले आइस यूनिवर्स ने ये पोस्ट किया अपने ट्विटर पर तो जनरली लोगों को लगा कि ये एक फेक चीज है और लोगों ने ट्राई किया इसको स्क्रीनशॉट करके अपने वॉलपेपर पर लगाने की, बट उसके बाद उनके फोन में कुछ नहीं हुआ। बट अगर इसका ओरिजिनल सोर्स से इसको डाउनलोड करके कोई वॉलपेपर लगाता है तभी ये आपके फोन को डैमेज कर सकता है। जी हाँ गाइस, इसको स्क्रीनशॉट लगाकर लगा लो या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे इसको डाउनलोड करके लगाओगे तो ये आपके फोन को डैमेज नहीं करेगा। इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और यही हमारी ट्रिक है। गाइस इस वॉलपेपर को लेकर दो तरह के लोग सामने आए, एक वो जिनके फोन को इस वॉलपेपर ने अफेक्ट किया और दूसरे लोग जिनके फोन में इस वॉलपेपर का कुछ फर्क नहीं पड़ा। गाइस मैं पहले आपको बता दूं इसको अप्लाई मत करना, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको इसका ओरिजिनल सोर्स बता दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सिंपली आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको हजारों वेबसाइट या फिर हजारों पोस्ट मिल जाएगी इस वॉलपेपर के रिलेटेड जिसमें इस वॉलपेपर ने भारी तबाही मचाई है आपके फोन में। गाइस ये वॉलपेपर आपके डिवाइस को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं करेगा उसके तीन रीजन हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर। लाइक अगर आपके पास सैमसंग या फिर गूगल का डिवाइस है तो ये आपके डिवाइस को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है। सेकंड चीज ये है, अगर आप इस फोटो किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट से डाउनलोड करते हैं तो ये आपके डिवाइस को हार्म नहीं करेगा बिकॉज इसके कलर्स चेंज हो जाते हैं। गाइस आपने भी नोटिस किया होगा जब आप किसी फोटो को अपन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड करते हो तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, साथ ही उसके कलर्स भी थोड़े डल हो जाते हैं। तो ऐसा ही इसके केस में भी हुआ है। और थर्ड चीज है कि आप जो वॉलपेपर लगा रहे हो सकता है वो ओरिजिनल वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट हो। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो एंड्रॉइड ऑटोमेटिकली उस वॉलपेपर को क्रिएट करता है और वो इस तरह क्रिएट करता है कि वो इजीली उसको सपोर्ट करे। तो गाइस मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा ये फाइंड आउट करने में कि ऐसे इस वॉलपेपर में क्या है जिसकी वजह से ये आपके डिवाइस को हार्म करता है। गाइस क्या ये टूटता है दोस्तों? गाइस ये एक मजाक था या फिर हो सकता है इसके अंदर कोई वायरस हो। और गाइस यहाँ पर टेक्निकल वर्ल्ड में वायरस एक सेट ऑफ फोर्स होता है जो कि आपके डिवाइस को हार्म करता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन को लीक करता है। बट गाइस इसके केस में ऐसा भी नहीं है। गाइस जो इस वॉलपेपर का रेजोल्यूशन है वह 1440x2560 pixels का जो की एक एग्जैक्ट एंड्रॉइड का वॉलपेपर का रेजोल्यूशन होता है। अब लगता है ये वॉलपेपर स्पेशली इसलिए बनाया है ताकि आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सके। गाइस गूगल में एक फीचर होता है इमेज सर्च का, और अगर हम इस इमेज को गूगल पे अपलोड करें सर्च करने के लिए तो आपको आगे ही इसका ओरिजिनल सोर्स मिल जाता है या फिर ओरिजिनल इमेज मिल जाता है। और गाइस वेबसाइट खोलने के बाद पता चला जो सर्कुलेट हो रहा है ओरिजिनल फोटो नहीं है, इस वेबसाइट पे इसका ओरिजिनल फोटो है, इसका ओरिजिनल वर्जन है। और इसकी ओरिजिनल वेबसाइट का नाम है hdqballs.com। और अगर आप इसके ओरिजिनल फोटो को डाउनलोड करके आप इसकी प्रॉपर्टीज खोलोगे तो कलर प्रोफाइल के आगे प्रो फोटो RGB लिखा होगा। गाइस यही है इसकी मेन प्रॉब्लम, यही रीजन है ये फोटो आपके फोन के लिए हार्मफुल है। आप पहले इस ग्राफ को देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है सारे कलर जो कि एक ह्यूमन देख सकता है, और इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी कलर है वो एक एंड्रॉइड सपोर्ट करता है जिसका नाम है sRGB कलर स्पेस, और ये सेट ऑफ कलर्स कंपेटेबल है एंड्रॉइड के लिए। लेकिन गाइस सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे कलर स्पेस होते हैं जैसे कि Adobe RGB, उसमें इसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा कलर्स होते हैं। और अगर आपको इन सबसे ज्यादा अच्छे कलर्स चाहिए तो आप यूज कर सकते हो प्रोफोटो RGB, और यही एग्जैक्टली कलर स्पेस है इस वॉलपेपर का। तो यहीं पर आती है इसकी मेन चीज। जनरली क्या होता है जब एंड्रॉइड डिवाइस को कोई किसी दूसरे कलर स्पेस का इमेज मिलता है तो वो sRGB में उस इमेज को कन्वर्ट कर देता है। और गाइस जब इसके आप ओरिजिनल सोर्स से डाउनलोड किए वॉलपेपर को अपने वॉलपेपर पे सेट करते हो तो आपका एंड्रॉइड डिवाइस उसको कन्वर्ट करता है प्रो फोटो RGB से sRGB में, और इस कन्वर्जन के दौरान ही ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जब एंड्रॉइड और फोटो को कन्वर्ट कर सकता है तो इस फोटो को कन्वर्ट करते वक्त ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये मिसबिहेव करता है। तो ये सब होता है सिर्फ एक सिंगल पिक्सल की वजह से, और ये सब होता है इसकी ल्यूमिनेंस की वजह से। बेसिकली ल्यूमिनेंस ब्राइटनेस होती है बट वो थोड़ी एडजस्ट होती है जैसे एक ह्यूमन देखता है। शायद आप जानते होंगे कि ह्यूमन आई ग्रीन टोन को ज्यादा अच्छी तरह देखती है रेड टोन से, जबकि रेड टोन को अच्छी तरह देखती है एज कम्पेयर टू ब्लू टोन। तो उसी तरह एंड्रॉइड में पिक्सल ल्यूमिनेंस का फॉर्मूला ये होता है जिसमें सबसे ज्यादा होता है ग्रीन, फिर रेड एंड फिर ब्लू। अगर इसको हम सिंपल वर्ड में कहें तो आपको काफी ज्यादा ब्लू लाइट देनी होगी, थोड़ी सी ग्रीन
लाइट कितनी ल्यूमिनेंस प्रोड्यूस करने के लिए। एनीवे जो मैक्स वैल्यू होती है ग्रीन रेड ब्लू की वो होती है 255 और जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आता है वो 255 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। बट उस सिंगल पिक्सल के लिए थोड़ी अजीब सी वैल्यू आपको मिलती है। रेड की आपको मिलती है 255, ग्रीन की मिलती है 255 एंड ब्लू की मिलती है 243। तो अगर हम इस पिक्सल की रेड की ल्यूमिनेंस को कैलकुलेट करें तो वो आता है 54.213 और ग्रीन आता है 182.376 जबकि ब्लू आता है 17.5446 और फिर अगर हम इसको ऐड करें तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है 254 जो कि अभी 255 से लेस है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड क्या करता है इनके वैल्यू को राउंड कर देता है तो रेड हो जाता है 55, ग्रीन हो जाता है 183 और ब्लू होता जाता है 18 और अगर हम इनको अब ऐड करें तो वैल्यू आती है 256 जो कि 255 से ऊपर है। तो यहाँ पर अब आ जाता है इसका असली दुश्मन जो कि एरर। तो गाइस अब आप इजीली समझ सकते हैं कि सिर्फ एक सिंगल नंबर आपके डिवाइस के साथ क्या क्या कर सकता है या फिर हजारों पिक्सल्स में सिर्फ एक पिक्सल जिसको आप बिना जूम करे देख भी नहीं सकते वो आपके डिवाइस के साथ कितना कुछ कर सकता है। गाइस एंड्रॉइड को जब भी कोई एरर मिलता है तो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है यानी कि प्रोसेस को बंद कर देता है और दोबारा से स्टार्ट करता है और इसके केस में ऐसा ही एक लूप होल बन जाता है। एंड्रॉइड कोशिश करेगा इस पिक को कन्वर्ट करने की फिर उसको एरर मिलेगा और वो फिर से प्रोसेस को स्टार्ट करेगा उसे फिर से एरर मिलेगा तो ऐसे कर करके चैन बन जाएगी और आपको मजबूरन अपने फोन को रिसेट करना पड़ेगा और इस प्रोसेस के ड्यूरिंग आप अपने फोन को अनलॉक भी नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सोल्यूशन है इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले और अपनी होम स्क्रीन पर लगा लो। गाइस एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए इसको सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी है, सिर्फ उनको एक लाइन ऐड करनी होगी जो कि है इफ द वैल्यू इज अबव 255 देन मेक इट 255। तो सिंपली एक कोड से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। हालांकि गाइस ये फीचर एंड्रॉइड 11 में आएगा, आपको एंड्रॉइड 10 या फिर उससे नीचे वाले वर्जन में इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा और इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है जो कि है स्क्रीनशॉट का। तो बस गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इसको समझाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चीज के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।